शीहवाल तहसील अंतर्गत ग्राम देवगांव में बिजली को लेकर परेशान, चार दिन से टूटे बिजली के तार, आज दिन तक नहीं मिल रही लाइट, तड़प रहे आमजन, भीषण गर्मी के कारण नहीं मिल रहा पीने का पानी, यहां तक कि पशुओं की जान की आशंका। यहां कोई आज तक हो गया 5 दिन हुआ है, यहां कोई देखभाल तक करने नहीं आते, जो आते हैं वैसे ही वापस फिर चले जाते हैं। ये बताइए, परसों दिन में 11 बजे लाइट दिए थे, उकसम पहले बोला फिर यहाँ बोला, अगर उसी जगह पे माल होते हैं कि बच्चे लोग खेलते होते तो क्या होते है बताइए आप लोग। कितने दिन से लाइट आपकी कटी है? ये 24 तारीख से लाइट कटी हुई है, 24 तारीख से आज हुदी तक अभी तक लाइट नहीं दिए हैं। और यह चेक इन करने बिजली विभाग वाले आएंगे देख के, और ये नहीं है कि ये नहीं बनेगा तो वायर काट के एक साइड कर दीजिए, इतना भी नहीं कर सक रहे हैं बोलिए। और छोटे बच्चे लोग माल लोग सगले घूम रहे हैं, बग रहे हैं, एक देखने वाले कोई नहीं है। कितने आदमी आए, बिजली मैन आए, हम लोग कंप्लेन करता हूँ, कोई कंप्लेन का सुनवाई नहीं होता जी। 4 साल से जी। ये तार कितना बार ऑटोमेटिक गिर गया, कोई सुनने वाला नहीं आता, आज 5 दिन से तार गिरा है जी, और कोई सुनने वाला यहाँ नहीं आता जी। आदमी कितनी बार कंप्लेन किया, एक बार नहीं, 1000 बार कंप्लेन किए, आज 5 दिन से कोई देखने वाला यहाँ नहीं आया 5 दिन से। ये 4 साल से पोल टूटा हुआ है ऊपर का 11000 लाइन का, और कोई देखने वाला नहीं है, कर्मचारी खाली बिल देने आता है, 500 रुपया 1000 रुपया बिल दे के चला जाएगा बिना मीटर का, 1000 रुपया 700 रुपया 782 रुपया बिल आता है हमारे यहाँ, ये पूरे यहाँ इलाके की बात कर रहा हूँ, 700-800 रुपया बिल आ रहा है, और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप बिजली जैसे जलाते वैसे बिल आता है, बिना मीटर के लिख के जाते हैं यूनिट घर बैठे। यहाँ का लाइनमैन कौन है? ये लाइनमैन है ये बलराम, और क्या बोलते हैं और कोई है यहाँ पे। अच्छा, तो ये कोई देखने भी नहीं आए आज तक। बिमलेश सिंह, हाँ, ये कोई नहीं आया 5 दिन से यहाँ, तो कोई देखने भी नहीं आया, हम लोग तो देखा भी नहीं कि कोई आया कि नहीं आया, ये हम लोग देखा नहीं आज तक, इतना 5 दिन से यहाँ पड़ा है, रास्ता बंद है, कोई किसी को परवाह नहीं है, और परसों तो लाइट भी आ गई थी, अच्छा हुआ कि जाना कोई यहाँ फंसा नहीं, दोपहर के समय थी, नहीं तो फंस जाता तो क्या होता। आपका नाम क्या है? राजलाल पटेल। और यहाँ तो बिजली की समस्या तो इतनी है कि हद से ज्यादा, जो कि बिल इतना आता है घर बैठे बिल बना देते हैं, फलाने के नाम से 700-800 रुपया भेज देते हैं बिल, कि फलाने के नाम से 800 रुपया भेज दिए, और जब बिल देने आते हैं तो बोलते हैं भैया हम नहीं बनाते हैं बिल, आप जाओ वहाँ हेड ऑफिस में मिलो, और हेड ऑफिस मिलने जाते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है हम लोग। आपने हेड ऑफिस में कभी जेई साहब से क्या? बिल्कुल, जेई साहब से हम लोग फोन पे रेगुलर बात किए थे, जेई साहब बोले जो आपको करना है तो कर लो, बिल ऐसा ही आएगा, ऐसा स्वयं बोले हैं जीआई साहब, तो जो आपको करना है तो कर लो, बिल ऐसा ही आएगा। हम बोला मीटर बैठाओ, और मीटर बैठा के आप लोग पैसा लो, रीडिंग से मीटर लो, घर बैठे थोड़ी आदमी बिल बना देता है, गरीब आदमी का 700-800 रुपये एक किसान आदमी बिल दे रहा है, तो उसका भुगतान कौन, गरीब को लोड पड़ रहा है ना, ये तो अब क्या सरकार को क्या बोले, कर्मचारी तो कोई सुनता नहीं, ना सरकार सुनती है ना कर्मचारी सुनता है, यहाँ कोई देखभाल नहीं है, खाली जब वोट का सीजन आएगा वोट लेने आएंगे, फिर 5 साल चले जाएंगे, 5 साल के बाद लोग लौटते हैं।